नमस्ते सर, नमस्ते सर, इंद्र सर, जय 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 सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अभी हम सब बन चुके हैं रेकी मास्टर, ठीक है जी। तो मास्टर के बाद क्या होता है? मास्टर के बाद होता है ग्रैंड मास्टर, उसके बाद होता है मास्टर ऑफ मास्टर्स। तो अब जब कि आप सब मास्टर्स बन गए हैं, तो मास्टर का टेस्ट लेना तो बनता है ना कि मास्टर असली है कि नकली है हम सब, है ना। तो टेस्ट तो बनता है ना जी हम सबका, मास्टर वाला। क्या हुआ, मतलब सब उदास से हो गए? टेस्ट नहीं ले सकते क्या हम क्लास के अंदर आज? टेस्ट बनता है तो फिर कहाँ से शुरुआत करते हैं? एक अच्छे रेकी हीलर से शुरुआत करते हैं, एक अच्छे मास्टर जी से। ओके, तो आज का हमारा एजेंडा रहेगा सरप्राइज टेस्ट, ठीक है जी। और ये टेस्ट जारी रहेगा अगर आप लोग फेल हुए तो। और ये टेस्ट इसलिए जरूरी है कि आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाली कहानी ना हो हमारे बीच में, ठीक है जी। और ये टेस्ट इसलिए भी जरूरी है कि क्लास में जब आप लोग आते हैं, अब आप लोगों का सवाल पूछने का टाइम शुरू हो गया है मुझसे, तो पहले मैं ही पूछ लूं आप लोगों से सवाल। तो चेहरों पे जो सन्नाटा है आपके, वो बता रहा है कि आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आप प्रिपेयर नहीं भी हैं तब भी टेस्ट लेने में मजा ही आएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन मिथिलेश मॉडर्न मॉन्क जी से। कृपया अनम्यूट कीजिए मैडम जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सरप्राइज टेस्ट है, जरूरी है। ओके, तो माय क्वेश्चन इज, पहला सवाल जो मेरा रेकी को लेके है, अगर आपको पांच शब्दों में बताना हो कि व्हाट इज रेकी, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? सर, रेकी जो है वो हम ब्रह्मांड में उपस्थित एक ऐसी ऊर्जा है जो, जिसे ची ऊर्जा भी कहा जा सकता है, की भी कहा जा सकता है, रेकी भी कहा जा सकता है। पांच शब्दों में। अच्छा, पांच शब्दों में। तो ब्रह्मांडी, वह ब्रह्मांडी ऊर्जा जिसके द्वारा की हमारा और प्रकृति का संचालन होता है, उसे रेकी ऊर्जा कहते हैं। और प्रूफ कैसे करोगे आप इसका? प्रूफ कैसे करेंगे? जिस तरीके से हम सांस लेते हैं, जो ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान है, जो पंच तत्व विद्यमान है, जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, जिनसे प्रकृति भी बनी हुई है, उन्हीं सबको मिलाकर ची रेकी ऊर्जा बनती है। इसको ची ऊर्जा, रेकी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, हम कुछ भी कह सकते हैं, जो हमारे अंदर भी है और हमारे चारों तरफ बाहर भी है। बहुत बढ़िया। तो 10 में से कितने नंबर मिथिलेश मैडम को मिलने चाहिए, आप चैट बॉक्स में डालते रहिए, ठीक है जी। बहुत बढ़िया मित्र। ओके, ऐसा है जी, मैं भी आपसे सिर्फ उतने ही क्वेश्चन पूछूंगा जितना मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है जी। वहां से मुझे आइडिया होगा कि आप किस लेवल तक की चीजों को ग्रैब कर पा रहे हैं। हमें कोर्स स्लो करने की जरूरत है, कोर्स फास्ट करने की जरूरत है, या कुछ और करने की जरूरत है। तो सेकेंड क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, आज उन्हीं का नंबर लगाते हैं जिनकी वीडियो ऑन नहीं है, है ना। जिनकी वीडियो ऑन नहीं होगी उन्हीं से क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि पता तो लगे वो लोग क्लास में है या नहीं है। ओके, पदम सिंह जी से मैं सेकंड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कृपया म्यूट कीजिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहले तो आपका धन्यवाद, आप अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू सर। ओके, तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं रेकी पे यकीन नहीं करता, जीरो यकीन है मेरा, और चाहते हैं कि मैं रेकी को समझूं, मतलब मैं रेकी पे यकीन करूं, आप चाहते हैं एज ए हीलर, ठीक है जी। तो कैसे आप मेरे को समझाओगे?
मतलब मेरा ये मानना है रेकी नाम की कोई चीज नहीं होती, ये सब बकवास है, ये कोई ऊर्जा नहीं होती, आप मुझे कैसे समझाओगे? सर तो पता नहीं, नहीं, आपको ऐसे कस्टमर भी मिलेंगे, ऐसे स्टूडेंट भी मिलेंगे। सर तो हमारे पास कोई पंचलाइन, कोई स्पीच, कोई चीज मतलब कुछ तो ये बोलेंगे, ये देखिए, ये प्योर यूनिवर्सल एनर्जी जो हमारे अंदर भी है बाहर भी है, जिसे हम अपने को भी हील कर सकते हैं और दूसरों को भी हील कर सकते हैं। नहीं सर, आप तैयारी कीजिए, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है आप इसके ऊपर काम कीजिए, जी और सर, जरूरी है इस बात का आंसर फाइंड आउट करना कि जब मेरा साथ वाला आदमी रेकी पे यकीन नहीं करता और मैं एक रेकी हीलर हूं, तो जी उससे सर, जी एनवायरमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर अपने बच्चे को हम कॉन्वेंट स्कूल में डाल देंगे और घर में आके उससे देसी भाषा में बात करेंगे, तो बच्चा जो स्कूल से सीख के आया वो सब कुछ भूल जाएगा, जी राइट? सर, तो जी सर, अगर मेरे आसपास के एनवायरनमेंट में ऐसे लोग होंगे जो रेकी को नहीं जानते होंगे, मैं उनको समझा भी नहीं पाऊंगा, तो उससे मेरे ऊपर भी असर पड़ेगा। तो आप इस बात पे काम करिए कि अगर ऐसा समझाना पड़े तो कैसे समझाएंगे। जो ठीक है सर, लोग हैं वो सभी सवाल लिखते रहिएगा, और जो लोग जवाब दे रहे हैं वो जवाब भी लिखते रहिएगा, ताकि जब अगली बार हमारी मुलाकात हो सवाल जवाब में, तो मैं भी ये क्वेश्चन क्रॉस आपसे कर सकूं। तो उम्मीद करता हूँ सर आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के रखेंगे। जी सर, थैंक श्योर श्योर सर, यू सर। थैंक। जो क्वेश्चन मैं किसी से भी पूछ रहा हूँ, आप लोग अपने ऊपर उस क्वेश्चन को अप्लाई करके उसका आंसर अपने अंदर से निकालिए और खुद तैयार तय कीजिए कि आपकी तैयारी क्या है। तो गणेश प्रभु जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। तो पहला सवाल पूछना चाहिए था आपसे, तो मैं तीसरा पूछ रहा हूँ। ओके सर, आपका नाम ही गणेश प्रभु है, तो शुरू करने के लिए पहला सवाल आपसे पूछना चाहिए था। ओके चलिए सर। सर, किसी व्यक्ति की हड्डियों में बहुत दर्द रहता है, तो ओके कौन सा सिंबल यूज करना चाहिए? सर, वो चोकोरे हड्डियों में दर्द है, हड्डियों में, बोन्स में। चोकरे का सिंबल मैं चैट जरा बंद कर रहा हूँ क्योंकि चैट में लोग आंसर कर रहे हैं। ओके, चौकोरे का सिंबल, आर यू श्योर सर? अश्वर। मेरे हिसाब से गलत आंसर है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, थोड़ी तैयारी पक्की कीजिए। चौकोरे तो है, बट चोकोरे के अलावा कोई दूसरा सिंबल है जिसका मेजर रोल है आपकी बोन्स के अंदर? ठीक है जी, थोड़ी सी तैयारी कीजिए। सिंबल का नाम कौन सा है पकड़िए जो बोन्स के ऊपर काम करता है, ताकि जब मेरे पास कोई इंस्टेंट केस आए तो मुझे किसी नोट्स या किसी और चीज की जरूरत ना पड़े, मैं प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर काम कर सकूं। ठीक है सर जी। ओके बहुत बढ़िया सर, कोई फाइन वाइन वाला रूल बना लेना चाहिए, आज बहुत सारे पैसे आएंगे। ओके केसी शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? एनर्जी जो है वो एक सोर्स है हमको विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त करने के लिए। और ये सारी एनर्जी हमें यूनिवर्स से प्राप्त होती है, पंच तत्वों से प्राप्त होती है, पंच तत्वों से प्राप्त होती है जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ओके बस ठीक है जी। पहली रेकी की क्लास जो हमने करी थी, मैं चाहूंगा एक बार आप उसको रिपीट करें सर। जी ओके
ठीक है जी। रीटा जैन मैडम जी कृपया अनम्यूट कीजिए। कुछ तो बहुत होंगे, नंबर आ गया आपका सवाल पूछने का। ओके तो मैडम जी मेरा आपसे सिंपल सा एक सवाल है, मेरे हाथ गर्म क्यों होते हैं जब मैं हाथ को रब करता हूँ? क्योंकि हम रेकी का आह्वान करते हैं। कैसे करते हैं? मैं बिना आह्वान करे कोई बच्चा भी करेगा उसके भी हाथ गर्म हो जाएंगे। हम नहीं होंगे सर, हम आह्वान नहीं कर रहे, हमारे हाथ तो फिर भी गर्म हो जाएंगे। रेकी ऊर्जा को हम आमंत्रित करते हैं और फिर हाथ को रब करते हैं और हथेलियों को रब करते हैं तब हमारे यहाँ ऊर्जा आती है। उंगलियों को रब करते हैं तो ऊर्जा नहीं आती, हथेलियों को रब करते हैं तब ऊर्जा हमें महसूस होती है हाथ में। क्यों आती है ये तो पूछ रहा हूँ। हम यूनिवर्स से बुलाते हैं, नहीं आह्वान करते हैं, ये तो आंसर नहीं हुआ। मतलब अगर हम कोई भी नॉर्मल आदमी भी अपनी हथेली रगड़े तो आएगी एनर्जी, तो लेकिन आती क्यों है ये जानना है। नोट्स मत देखिए, पंखे की तरफ देख के बात करनी है, फाइन लग जाएगा नोट्स देखने पे। ऊपर हवा में देख के बात करनी है, पंखे की तरफ। आती क्यों है? मैं चाहूंगा आप कोर्स को रिपीट करें, ठीक है जी, और ढूंढें इस बात का जवाब, और जब भी हमारा नेक्स्ट कन्वर्सेशन हो तो आप मेरे को इसका आंसर दें। ठीक है, धन्यवाद। आज बनी कुछ बात क्लास के अंदर। करुणा मैडम जी नमस्कार, कृपया अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम जी। मैडम जी ये क्या नाम है, चौकोरे का सिंबल कैसे बनाते हैं घर की प्रोटेक्शन के लिए? घर की प्रोटेक्शन के लिए चारों दीवारों पे डालेंगे, छत पे और फर्श पे डालेंगे। बनाते कैसे? बना के दिखाओ। हाँ जी, साढ़े तीन घेरे बना रहे हैं इसके। हो गया जी। आर यू श्योर ऐसे ही होता है? वन टू थ्री एंड हाफ हो गया? नहीं सर, इसको एस पोजीशन में बनाएंगे। सोच लीजिए एक बार। घर की प्रोटेक्शन के लिए इसकी चारों वॉल पे डाल के छत पे और फर्श पे डालूंगी। मैं चाहूंगा आप एक बार वीडियो देखें दोबारा। ओके सर, और फिर आंसर करें, ठीक है जी। जरूर रिपीट कीजिएगा मैडम जी, धन्यवाद। सॉरी सर, नहीं, नो नीड टू टेल सॉरी। हम सॉरी वाला कोई सिस्टम नहीं है क्लास के अंदर, और ना ही हमें कुछ ऐसा सोचना कि हम गलत आंसर दे रहे हैं या सही। हमें पकड़ना है कि जो चीज हम सीख रहे हैं उसमें हमारी मजबूती कितनी है। मतलब अर्थ कोई कहा गया था तो हमने लेंटर पक्का डाला है कि नहीं, रेकी में जो भी हम सीख रहे हैं उसमें हमारी पकड़ कितनी मजबूत है। सरोज मैडम जी नमस्कार, पहले तो पेन मुंह में डालने से इन्फेक्शन हो जाएगा और रेकी में टीथ का इलाज नहीं होता। सॉरी सर, सॉरी। जय जिनेंद्र सर, इन्फेक्शन होगा ना तो टीथ रेकी से ठीक नहीं होते हैं, पता है आपको? रेकी में टीथ का कोई इलाज नहीं है। अच्छा चलिए, अब सवाल का जवाब दीजिए मेरे। हाँ जी। अपनी ऊर्जा को लॉक करने के लिए कौन सी पोजीशन लेते हैं हम? जी, ये दोनों फिंगर को और ये दोनों फिंगर को लॉक करते हैं। और इतना ही? बस इतना ही होता है जी। ये फिंगर को ऐसे ऊपर चढ़ाएंगे, मिडिल फिंगर को, थंब के बाजू वाली फिंगर को। बस इतना ही होता है ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जी, कट भी करते हैं जैसे थर्ड आई से और नाभि से, हार्टिक से, वो कट 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 भी बोलते हैं या थर्ड आई की तरफ। वो तो मैंने सिखाया नहीं जी।
जी सर बताएंगे जी ऐसे। ठीक है मैडम जी, धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया सर। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे चैलेंज करता है कि हर सवाल का जवाब है? बीएल जी नमस्कार, कृपया अनम्यूट कीजिए। बीएस के नाम से आइडिया सर जी, कृपया अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। सहकी का मीनिंग क्या है सर? सहकी का मीनिंग और इसके अलावा सर ऊपर देखना है सर, नीचे देखने में पानी लग जाएगा। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं जी, मैं कहूंगा रिपीट कीजिए एक बार से, हमारी जरूरत है मजबूत पकड़ के लिए। थैंक यू। योगराज कालरा जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर दो व्यक्तियों के संबंध में प्रॉब्लम है तो कौन सा सिंबल सबसे ज्यादा मदद करेगा उनकी? अभी सर ये हम अभी जो पोंशु रेस जो सिंबल अभी हमने सीखा, हाँ जी पोंशु जैन सिंह, तो उसमें रिलेशनशिप के ऊपर में अच्छे रोल है उनके? मुझे लगता नहीं है। ओके, स्लाइटली कंफ्यूज विद शेल, शेकी में है शायद, शेमी शेकी में है। अगर आपका जवाब शायद है फिर आप गलत हैं। एब्सोल्युटली, आई विल चेक वन सेकंड सर। ओके, आप एक बार इस बात पर रिसर्च कीजिएगा कि इमोशनल प्रॉब्लम है तो कौन सा सिंबल काम करेगा। ओके, हमारी नेक्स्ट टॉक होगी तो आप मुझे इसका आंसर कीजिएगा। जरूर जरूर सर। थैंक यू। नमस्कार मैडम जी, सुनीता मैडम जी नमस्कार, कृपया अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जी। मैडम जी क्या मतलब होता है सहेकी के सिंबल का? सहेकी का सिंबल दो दो व्यक्तियों को जोड़ता है, दो और ब्रेन प्रॉब्लम मसल प्रॉब्लम के लिए डाला जाता है। और मैंने आपको दो दिन में समझाया और आपने मेरे को दो मिनट भी नहीं दिए, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये तो ना इंसाफी है। किताब छोड़ दीजिए, फाइन लग जाएगा मैडम जी। मैं फाइन बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला अगर फाइन लगा तो। ओके, मैं चाहूंगा कि आप एक बार सहेकी की क्लास को रिपीट करें। ठीक है जी, चैट बॉक्स में बता रहे हैं कि टेस्ट ऑन संडे या मंडे को लेने वाले थे, वो भी लेंगे, आप तैयारी करें उसके लिए, वाला टेस्ट ज्यादा जरूरी था। ओके स्वामी जी नमस्कार। कृपया अनम्यूट कीजिए स्वामी जी। नमस्कार जी। स्वामी जी वो सिंबल कौन सा है जिसकी कलम ने अटूनमेंट ली थी? आवाज नहीं आ रही स्वामी जी आपकी। वॉइस नहीं आ रही। एक बार वॉइस करेक्ट कर लीजिए, आप अनम्यूट ही हैं, चेक कर लीजिए, फिर हम दोबारा पूछते हैं आपसे क्वेश्चन। सर
सत्यपाल जी नमस्कार, कृपया म्यूट कीजिए। स्कूल के दिनों की याद आ रही है इतना सन्नाटा देख के क्लास में। सत्यपाल सर जी कृपया म्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जी कल का सिंबल जो हमने अटूनमेंट लिया था वो कैसे आता है ब्रह्मांड से हमारे हम तक? साउंड के साथ, पक्का साउंड के साथ आता है। साउंड ऊर्जा से। और भी कुछ था एक्स्ट्रा? शक्ति पास। और कुछ? मैं चाहूंगा होम शो जेशन एंड सिंबल पे हमने सबसे ज्यादा बात की है सर, एक बार आप थोड़ा सा रिसर्च करें इस सिंबल को। ठीक है सर जी, धन्यवाद सर, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आकांक्षा मॉडर्न मोहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम जी आपको ये बताना है होम शो जेशन एंड जो सिंबल है वो कितने पार्ट्स में बनता है? पार्ट्स इन द सेंस सर उसके जितने भी नंबर्स है वो। हाँ जी, ऊपर पंखे की तरफ देख के बोलना है, पंखे की तरफ देख के वो बंद है। छोड़ दीजिए किताब। ट्वेंटी वन पार्ट्स मेरे हिसाब से 22 होंगे। 21 चेक कर लीजिए। मतलब हमें इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? 22 है तो 22 है। नहीं सर 21 पार्ट्स है। चलिए फिर बना के दिखा दीजिए सबके सामने, मैं आपको पूरी स्क्रीन पे देता हूँ। सर बुक में बना के दिखा। हाँ बुक में ही बनाना है, आप फुल स्क्रीन पे हैं। सामने देख के बनाना है मैडम जी, बुक सामने रख के मतलब दीवार की तरफ बुक रख लीजिए। एक मिनट। बाकी सभी अदरी सदस्य नहीं सर गलत हो रहा है, नहीं याद है सिंबल। तो कितने का फाइन लगा देना चाहिए मैडम जी? मैं चाहूंगा कि आप बार इस सिंबल को कम से कम 100-200 बार बनाएं। ओके सर। प्रैक्टिस करें, उसकी फोटो वोटो भेजिएगा बना के। थैंक यू जी। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा आइडिया ले पा रहे होंगे कि मैं आपके सवाल के जवाब क्यों नहीं दे रहा था 3-4 दिनों से, क्योंकि हम रेकी को कॉन्शियस माइंड का फूड दे रहे हैं, जबकि रेकी को चाहिए सब कॉन्शियस माइंड का फूड। मतलब टीचर वो जो बिना किताब के पढ़ाए। ठीक है जी, अगर आपका पीपीटी है भी है तो वो सिर्फ सपोर्ट के लिए है, अदरवाइज पीपीटी की भी जरूरत नहीं होती है क्लास के अंदर कभी भी हमें, तो टीचर वो बिना क्लास के हो जाए। अभी हमने 3 ही सिंबल सीखे हैं, इसके आगे जो सिंबल आने हैं वो मिक्स होने हैं। मिक्स इन द सेंस डाइकोमो सिंबल जैपनीज भी है, डाइकोमो सिंबल आपका तिब्बतियन भी है, राकू सिंबल आपका हिंदुइज्म के अंदर भी आता है, आपका तिब्बतियन भी आता है, और आपका चाइनीज भी आता है, और आपका जैपनीज भी आता है। जब हम अभी इजी इजी टास्क को नहीं पकड़ेंगे तो बाद में मुश्किल टास्क को हम कैसे पकड़ेंगे? हम सभी अदर नेशन हमें इस बात पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि जितना हमने किया इस पे हमारी मजबूती कितनी है। और अगर हम सिंबल बनाने में कंफ्यूज हैं
तो फिर मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं सिंबल को ड्रॉ नहीं कर पा रहा या सिंबल को स्टेप्स को नहीं जानता, या मैं ये नहीं जानता कि अगर इमोशनल प्रॉब्लम है तो कौन सा सिंबल होना चाहिए, या मेंटल प्रॉब्लम है तो कौन सा सिंबल होना चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है। क्योंकि अगला सिंबल हमारे नाम के आगे ग्रेट लगाता है, ग्रेट डाइकोमो का मतलब है ग्रेट ब्राइट लाइट, तो वो हमें ग्रेट और ब्राइट बनाता है। लेकिन उससे पहले हम उतने पॉलिश हो जाएं कि हम उस पॉलिश के साथ मर्ज हो सकें, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं सभी अदम्य सदस्यों को ये कहूंगा कि बेशक क्लास आप रोक दीजिए यहाँ पे एक दिन दो दिन, और पूरी क्लास एक बार रिपीट कीजिए। जब तक आप रिपीट करके एक एक चीज को नहीं समझेंगे, तब तक आप लोगों को बाद में परेशानी होने वाली है। और प्रैक्टिस वही नहीं कर सकता, सिर्फ वही व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं कर सकता जिसकी तैयारी नहीं होती। जिसको कॉन्फिडेंस हो गया उसकी प्रैक्टिस 100% होगी। साधना मैडम जी नमस्कार, कृपया अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी, आज आपने हैंड रेज नहीं किया सबसे पहले कि मुझसे सवाल पूछिए। नहीं सर, मैं बाहर गई थी ना, तो अभी आई ना, इसके लिए फिर ज्वाइन करके। चलिए बहुत बढ़िया। तो बताइए मैडम जी, ये जो रेकी होती है, रेकी के एनर्जी पॉइंट्स क्या होते हैं? पूरे उंगलियों के ये रहते हैं क्या सिंबल? पूरे उंगलियों में सिंबल रहते हैं। उंगलियों में कहां? अग्नि वायु। अच्छा, और अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश। अच्छा, विशुद्धि चक्र कौन सा तत्व है? मूलाधार। बहुत बढ़िया मैम जी। अगर 100 में से 100 नंबर देने हो ना, तो आप -100 लोगे। ओके, सोनू मैडम जी कृपया म्यूट कीजिए। मैडम जी, स्वाधिष्ठान चक्र का नंबर कौन सा होता है टॉप से? पक्का टॉप से तो इट्स नंबर 5, नंबर 6। सोच लीजिए अभी एक बार सर। सोच ले, नंबर 6 टॉप से अगर काउंट करेंगे तो। तत्व कौन सा है? एक जल तत्व। ऑर्गन कौन से हैं इसके? सर इसके सारे जो हमसे हमारे पेट से रिलेटेड होते हैं, हमारे जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन्स और जो रिप्रोडक्ट करते हैं, वो सारे के सारे स्वाधिष्ठान। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, किसी ने तो सही आंसर दिया। अंजलि शाह मैडम जी नमस्कार। नमस्कार, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, कैसे हैं जी आप? बताइए मैडम, किसी को माइग्रेन है कौन सा सिंबल देंगे? माइग्रेन है तो आगे चक्र पर देंगे। सिंबल कौन सा देंगे? अच्छा, संतुलित करना माइंड को संतुलन करना है, तो संतुलित करने वाला वही तो है। सोच तो चकोरे देंगे, तो चकोरे से एनर्जाइज करना है अपने को। नहीं, आप मेरे को घुमा रहे हैं, आप सीधा सीधा आंसर दीजिए कौन सा सिंबल होगा। ऐसे तो आप तीनों सिंबल के नाम ले देंगे। नहीं, होन से तो नहीं दूंगी, क्योंकि होन से अलग है। सही की मुझे ऐसे लगता है कि सही की आज्ञा चक्र पर यदि डाले तो हो जाएगा, बहुत की मेंटल प्रॉब्लम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड आंसर। बट कॉन्फिडेंट रहना अपनी बात पे, मतलब घबराना नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया तो मतलब यही आंसर है। डोली अग्रवाल मैडम जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, वो जो अपना मणिपुरम चक्र होता है, उसका कौन सा कलर होता है? मणिपुर का। हाँ जी सर, येलो। और मंत्र क्या है इसका? लम लम जी,
ठीक है मैडम जी, मैं चाहूंगा आप सातों चक्रों की वीडियो एक बार रिपीट करें और फिर आप फाइंड आउट कीजिए आपने सही आंसर दिया है गलत। सारिका जैन मैडम जी नमस्कार। मैडम जी दो लोगों में लड़ाई हुई है और एक गलत है एक सही है, ये आपको भी पता है, तो एज ए हीलर आप क्या प्रोटोकॉल फॉलो करोगे? दो लोगों की लड़ाई हुई है, आपको पता है एक सही है और एक गलत है, एज ए हीलर आप क्या प्रोटोकॉल फॉलो करोगे? उसको ना फॉरगिवनेस का प्रयोग करने के लिए चाहिए। हाँ थोड़ा लाउड बोलिए, घबरा क्यों रहे आप? हम सब सीखने के लिए हैं, नोबडी इज परफेक्ट और हम सब परफेक्ट होने की जर्नी में हैं। आप लाउड बोलिए, आराम से बताइए। फॉरगिवनेस प्रेयर कराएंगे, मतलब जो जिनको प्रॉब्लम है फॉरगिवनेस प्रेयर। ओके, और मैं चाहूंगा कि आप हीलर के प्रोटोकॉल्स होम सजेशन एंड्स की क्लासेस को रिपीट करें और फाइंड आउट करें कि आपने कहां मिस्टेक की है। थैंक यू जी। डिंपल ओसवाल जी नमस्कार, कृपया अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करने को कहा था मैडम, मैं वीडियो ही ऑफ कर ली। डिंपल मैडम जी कृपया अनम्यूट कीजिए। पूनम त्यागी जी नमस्कार, कृपया अनम्यूट कीजिए। मैडम जी किसी बच्चे के एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे, कौन सा सिंबल दोगे? सर, और अगर आपके खुद वैसे के... तो देंगे ही, एग्जाम क्लियर के लिए तो नहीं देंगे। हाँ, उसको अच्छा वो मतलब रिवाइज कर सके उसके लिए देंगे सिंबल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मैडम जी, आप एक अच्छे रेकी हीलर बनने जा रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। तरुण ठक्कर कृपया म्यूट कर लीजिए। तरुण ठक्कर जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर। होम सजेशन एंड डिस्टेंस हीलिंग में कैसे काम करता है, मतलब ट्रेवल कैसे करवाता है एनर्जी को? अरे ब्रिज का काम करता है वो। हाँ मतलब कैसे? ये तो मेरे वाला क्वेश्चन ही हो गया, जैसे मतलब जो उस दिन मैंने चैट में डाला था एक तरह का, मैंने आपके क्वेश्चन का जहाँ पे हमने ऊर्जा क्लास में दिया था आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप जी 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 फोकस थे या आराम से? नहीं नहीं सर, आराम से नहीं, मतलब एग्जैक्ट वहाँ पे जहाँ पे हम भेजना चाहते हैं उस ऊर्जा को। नहीं, कनेक्ट कैसे होती है एग्जैक्ट जगह पे लेके जाना, ऊर्जा कैसे कनेक्ट होती है सिंबल के साथ? मतलब के उस कनेक्टिविटी के लिए। हाँ मतलब हाउ, मैंने कुछ समझाया था धरती आसमान कुछ बोला था मैंने, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा, आप थोड़ा याद करवाएं मेरे को। सर वो तो धरती आसमान और जो पांच तत्वों के साथ जो करवाया था उसी के बारे में कह रहे हैं ना? नहीं, मेरे को याद नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या था, मतलब मैं एग्जैक्ट ले नहीं पाया, आप एक बार मुझे दोबारा रिपीट करो कि मतलब उसको होम सजेशन एंड एनर्जी को कैरी करके ट्रैवल कैसे करवाता है, मैंने आपसे सिंपल क्वेश्चन ही पूछा। कैरी करके
सर एक मैन... हाँ जी गलत आंसर है, 5,000 का फाइन है। ठीक है सर। मेरे को जो लगता है सर एक तरह का ब्रिज का काम करता है और वो हमारी वाइब्रेशन को जो एनर्जी की वाइब्रेशन है और पांच तत्वों की वाइब्रेशन को उस ब्रिज के थ्रू मतलब के कनेक्टिविटी उससे होती है। सर जी देखो ब्रिज बनाया अटल बिहारी वाजपेयी ने है ना, नाम उसका मेहनत लगी मजदूरों की ठेकेदारों की सारी की सारी और गाड़ी किसकी चल रही है किसकी नहीं किसी का तो पता नहीं ब्रिज के ऊपर राइट। अब अगर इन सबको कनेक्ट करना हो तो कैसे कनेक्ट करोगे सर, सिंबल के थ्रू मतलब सिंबल बना के और एग्जैक्ट उस चीज कनेक्ट तो सर जैसे ऊर्जा लेंगे हम और इसके थ्रू भेजेंगे वहां पे जहां पे हमने भेजा है। आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात को, मैं चाहूंगा आप अपने सवाल का जवाब जरूर ढूंढ के देंगे मुझे, उसके लिए आपको 2 घंटे करनी पड़ेगी लेकिन आंसर बड़ा सिंपल है। गाड़ी किसी की भी चल रही हो पैसा उसी का लगा है ब्रिज में, टोल वही देता है टैक्स वही देता है, बनाचे कोई रहा है खर्चे कोई रहा है। मैंने आपको कम शब्दों में हिंट दिया है और अब आपसे मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछने वाला हूँ दोबारा। ठीक है सर। अगर आपने आंसर नहीं ढूंढा तो देखना सारे को होस्ट स्टेम पे एक ही काम कर रहे हैं, आप लोगों के नाम लिख रहे हैं और आपसे कौन सा सवाल पूछा जा रहा है वो नोट कर रहे हैं, तो मेरे को सब पता रहेगा, डेटा बन रहा है आपका। नीलू कुमारी मैडम जी नमस्कार, कृपया म्यूट कीजिए। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास बहुत डेडिकेटली कर रहे हैं ऐसा वीडियो से और फीडबैक से मैं देख पा रहा हूँ, बट अभी टेस्ट तो बनता है पता लगे कि टेस्ट में कहाँ पहुंचते हैं हम। तो ये जानना है जो सुषुम्ना नाड़ी होती है उसका क्या काम होता है? वो हमारे चीज और किसी भी चीज को है ना बैलेंस करता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सूक्ष्मा नाड़ी से हम चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मतलब ईड़ा और पिंगड़ा के बीच में उसका काम क्या है? उसका काम ही है बैलेंस करने का। किस चीज को? चक्रास को बैलेंस करने का। कहां से शुरू होती है कहां खत्म होती है? पूरा बीच से ही शुरू होती है, वो तो सूक्ष्मना नाड़ी है जो बीच से ही शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है फिर पूरा रूट चक्रा तक जाती है वो। आपको लगता है आप सही आंसर दे रहे हैं? I think सही दे रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप क्लास दोबारा देखें। उसका मैंने एक बार किया तो दोबारा उसको रिपीट नहीं किया, बट ये अभी रेकी वाले पे ज्यादा ध्यान है, आप उससे कुछ पूछिए। क्योंकि आप रोज कमेंट करते हैं, सुषुम्ना नाड़ी वाली वीडियो पे आपने कमेंट ही नहीं किया, इसलिए मैंने आपसे वही क्वेश्चन। मैंने उसको एक ही बार देखा था अभी तो इसी में लगे हैं। आपको देखा नहीं ना इसलिए मैंने वहीं से क्वेश्चन पकड़ा आपके लिए। यस सर, एक ही बार बस देखा था, उसकी एक्सरसाइजेज किए थे उसके बाद मैंने उसको देखा नहीं, अभी रेकी वाला चल रहा है पूरे दिन रेकी रेकी चलते रहता है इसलिए उतना ये ही नहीं रहा। कोई बात उसको हम देखेंगे, वो मुझे अच्छा भी लगता है उसका, क्योंकि वो बायां वाला से हमें ठंडा मिलता है और जब दायां वाला रहता है, वो मैंने बच्चों पे भी कराया था कि अगर तुम्हें गर्मी लग रहा है तो तुम खुद के बॉडी से एसी कैसे क्रिएट कर सकते हो और हीटर कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो बच्चों पे काम किया था। दायां और बायां दोनों ही नहीं पूछा मैंने आपसे। यस सर, आपने जो नहीं पता था वही पूछा, इतना ध्यान नहीं है बट दाया और बाया पता था, वो मैंने बच्चों पे प्रैक्टिकली कराया था। यस सर, थैंक यू। अजय के उपल जी नमस्कार सर जी, कृपया म्यूट कीजिए। कैसे हैं सर जी? बढ़िया जी, आप सुनाइए सर। आज्ञा चक्कर का जो हमारा आज्ञा चक्र है इसका कौन सी नाड़ी से संबंध है? आवाज मेरे को ठीक से पहुंच रही, पंजाब में इंटरनेट की काफी प्रॉब्लम है, आज भी बार बार ये इंटरप्ट हो रहा है और आवाज आपकी ठीक से आ नहीं रही है मेरे को। मैं पूछ रहा था पंजाब में प्रॉब्लम है, आप रुकिए आपसे मंडे को सवाल पूछेंगे,
ओके अश्वनी डी के नाम से आईडी है, कृपया म्यूट कीजिए मैडम जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैडम जी, सुप्त चेतनाओं को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? सर एक्चुअली आज मेरा थर्ड लेसन है, मैंने पहले के स्टार्ट किया है देखना। चलिए कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं, ठीक है जी। पीआर सर कृपया अनम्यूट कीजिए। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, सुप्त चेतनाओं को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? आवाज क्लियर नहीं आ रही जी। नीचे नहीं देखना, ऊपर देखना है सर, ऊपर देखना, पंखे की तरफ। हाँ जी, रेकी सिंबल का तरह नहीं, सुप्त चेतनाएं कहाँ हैं, कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब लेकिन सुप्त चेतना का हम पॉजिटिव थिंकिंग में भी कंट्रोल कर सकते हैं। रॉन्ग आंसर। कॉन्शियस माइंड। मैं चाहूंगा कोर्स के अंदर आप इस सवाल के जवाब तक पहुंचे कि सुप्त चेतनाओं को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, मतलब आप ढूंढिए कि मैंने आपसे सवाल क्यों पूछा, और इसका आंसर भी कोर्स के अंदर है जो मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है सर, थैंक यू जी। ज्योति मॉडर्न मॉम जी कृपया अनम्यूट कीजिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैडम जी, वो क्या होता है, नो पास्ट नो प्रेजेंट नो फ्यूचर का क्या मतलब है? नो पास्ट नो प्रेजेंट नो फ्यूचर। होनशा जेसुनेन सर, मतलब हाउ, कैसे कैसे सर, ये तो नहीं पता, मतलब मतलब क्योंकि वो हर जगह जा सकता है सर, मतलब कहीं भी जैसे पहुंचा सकते हैं उसको, मतलब जैसे ये डिस्टेंस हीलिंग का सिंबल है तो। 27 मिनट का टॉपिक था मैडम जी ये। जी सर। तो मैं चाहूंगा आप इसका सवाल का जवाब ढूंढें। जी सर। जी ठीक है जी, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। पद्मा आंटी से तुम सवाल भी नहीं पूछ सकते, इतने सीनियर है। बहुत बढ़िया। किशोर सर नमस्कार, कृपया अनम्यूट कीजिए। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर सर, बॉडी का वाटर लेवल बैलेंस करने के लिए कौन सा सिंबल का यूज करेंगे? बॉडी का वाटर लेवल, सोने वाले तो बिना बात के बदनाम है सर, जागने वाले जागने वाले खुली आंखों से सो जाते हैं, वो धोखा दे रहे हैं, सोने वाले भी सामने से तो सो रहे हैं। मैं चाहूंगा सर आप इस सवाल का जवाब ढूंढें, क्लास में ही है। क्वेश्चन फिर से पूछे सर, मैं लिख लो। बॉडी का वाटर बैलेंस कौन से सिंबल के द्वारा करूंगा? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर रूप एमएस के नाम से आईडी है। नमस्ते सर। दो ऐसे चक्र जिनका आपस में बहुत जबरदस्त संबंध है। चक्र मूलाधार स्वादिष्टम। क्या बात है। And third eye and sahasrara. इतने भी क्या जल्दी है मैडम जी आंसर देने की, थोड़ा सा सोचिए। Third eye and sahasrara. अब ऑप्शन खत्म हो गए हैं आपके, लाइफलाइन भी नहीं है हमारी क्लास में, तो दो ही बताए ना सर, third eye and sahasrara.
दोनों ही गलत है। हमारी क्लास में कौन बनेगा रोडपति वाला सिस्टम है कि अगर आपने गलत दिया तो आपको फाइन देना पड़ेगा। Either it is Mooladhara and Swadhisthana or Thodai or Sansrara. दोनों आंसर गलत है। तो मैं चाहूंगा आप सही आंसर को ढूंढे, उसके लिए आपको सातों चक्र को रिसर्च करना पड़ेगा और डेफिनेटली आप सही आंसर तक पहुंचेंगे। ऐसा यकीन करता हूं कि जब हमारी दोबारा बात होगी तो आप मेरे को सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देंगे इसका। सर्टेनली सर, थैंक यू। थैंक यू जी। ये फायदा होता है पूरा कोर्स मुझबानी याद करने का कि सवाल कहीं से भी घुमा के पूछो। ओके मीनाक्षी मैडम जी नमस्कार। यस सर नमस्ते। नमस्कार मैडम जी, आपको तो पूरा कोर्स याद होगा मैडम जी। जी सर, कुछ क्लासेस मिस हुई हैं, बाकी हाँ काफी हद तक है। अब आप टेस्ट लीजिए फिर आप बताएं सर कैसा। कौन सी क्लास आपने करी है, मैं क्वेश्चन उसी से पूछूंगा ना। मैंने सर इधर की हंसा जोसेनन लिया है और जो सेवन चक्रास थे वो पूरी लिए, सेकी और चौकोरे में थोड़ा सा, फिर भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा तो मैडम जी मूलाधार चक्र किस पंच तत्व से रिलेटेड है? मूलाधार सर ये पृथ्वी तत्व से है। अच्छा। और ये रेड कलर है। पृथ्वी तत्व की सबसे खास बात क्या है? पृथ्वी तत्व की सर ये जड़ से है कनेक्टेड हमारा, ठीक है, धन से संबंधित है, मेन बेस है ये हमारा। अगर आपको रेकी करनी हो तो पृथ्वी तत्व को यूज कैसे करोगे? पृथ्वी तत्व को कैसे यूज करेंगे मतलब सर? हाँ मतलब पृथ्वी तत्व की ऊर्जा को लोगे कैसे? पृथ्वी तत्व को सर मतलब प्रकृति से कनेक्ट हो करके या फिर मंत्र से? ओके मैंने दिया हुआ इस सवाल का जवाब। यस सर मैं देखूंगी। ढूंढिएगा एक बार। जी बिल्कुल सर। मैंने चैट बॉक्स तो ऑफ किया हुआ है तो आप लोग गर्दन हिला के जवाब दे दीजिएगा। मैं गलत सवाल तो नहीं पूछ रहा आप लोगों से, कोर्स से बाहर तो नहीं जा रहे ना हम, कोर्स के अंदर ही है ना अभी। ओके चलिए फिर ठीक है। तो सतीश जी नमस्कार, कृपया अनम्यूट कीजिए एक बार। बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है उधर से। ओके सर, अगर बैकबोन में प्रॉब्लम होती है तो कौन से सिंबल का यूज़ करें? डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा आ रही है आपके साइड से। मेरा सवाल है कि अगर बैकबोन में प्रॉब्लम होती है तो कौन से सिंबल का यूज किया जाएगा? आपका बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है तो रुकते हैं सर आपके साथ जरा भी। ओके कोई बात नहीं, तो आज तो कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा, मेरा नंबर नहीं लिया सर, मेरा नंबर नहीं लिया, ऐसे कैसे बात होनेगी, मेरी भी बारी आती है, इसको बोलते हैं कर्मा बैक। ओके रागनी मैडम जी नमस्ते। सर नमस्कार मैडम जी, होम सजेशन एंड सिंबल के ऊपर हमने कितने दिन क्लास लिए लगातार? सर शायद 3 लिए, मैंने पहले के कम क्लासेस नहीं किए हैं सर, पहले के। मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। पहला दिन आज आपका? सर मेरे 4 दिन हो गए हैं। तो क्लास 3 लिए हमने होम सजेशन एंड पे। 2 दिन किए मैंने क्लास, कल का अटेंडमेंट था उसके पहले 2 दिन क्लास किए मैंने। अच्छा जो एक और सिंबल था वो अटेंडमेंट लिया था आपने? शायद स्टार दिया था और ओम दिया था। अच्छा, वो फर्स्ट दिन था मेरा। तो स्टार के सिंबल के अटेंडमेंट क्यों लेते हैं हम? स्टार का जैसे बैलेंस रहता है, जो आसमान में जो जितने स्टार रहते हैं वो बैलेंस के लिए, एक येलो कलर का रहता है और एक रेड कलर का रहता है, दोनों स्टार एक आपस में जो जुड़ते हैं तो उसका बैलेंसिंग होता है उसमें। मैंने तो जैसे सही की का बैलेंस होता है। मैंने तो नहीं समझाया, कलर तो आया ही नहीं थे स्टार में।
सर वो मेरा पहला ही दिन था सर, मुझे इतना थोड़ा याद है कि ऐसे उसमें स्टार दिया था, जस्ट लिंक आई थी मेरे एक दूसरे ग्रुप में, मैंने ज्वाइन किया था। चलिए मैडम जी, मैं चाहूंगा एक बार आप क्लास रिपीट करें। ठीक है सर, थैंक यू जी। नमस्कार मैडम जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा जी, कैसे हैं आप? मैडम जी आज रेखी का कौन सा डे चल रहा है? ट्वेंटी सेवन। सही कह रहे हैं आप, 26 है आज तो। आज 26 है। ये जो कला जैन के नाम से आईडी, और मैडम जी जो आप इशारा कर रहे हो ना, मैं आपको एक सिंपल सा टिप्स बताता हूँ, फिंगर्स का कैसे यूज करना है। गूगल पे नंबर टाइप कीजिए मेरा और फाइन पे कर दीजिए, एग्जाम में नकल करवाने वालों को भी फाइन लगता है। सर मेरे को नहीं पता, लेकिन 20 डेज से तो ऊपर हो चुके हैं। तो मैं चाहूंगा गौर करें, अगर आप रोज कमेंट करोगे तो आपको पता रहेगा आज कौन सा डे है, इस डे पे हमने क्या समझा, इस डे पे हमने क्या समझा। गौर कीजिए मैडम जी, हर छोटी चीज पे गौर कीजिए, जो हम अपना इतना कीमती समय यहाँ पे दे रहे हैं क्लास के अंदर। मेरा एक ही घंटा है मैडम जी, आप लोगों को इस एक घंटे को मैनेज करने के लिए 3 घंटे लगाने पड़ते हैं। एक घंटा पहले तैयारी करनी पड़ती है, क्लास खत्म होने के बाद भी आप लोगों के कुछ काम रहते होंगे, वो भी आप लोग करते होंगे, तो 3 घंटे आप इन्वेस्ट करते हैं, तो अपने 3 घंटे की वैल्यू करनी है हमें, और आसपास क्या हो रहा है हमें इस बात को मतलब बड़ी मजबूती से पकड़ के रखना है। भुवन जी नमस्कार। तो सर कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, आप बताइए। भुवन जी मैं ये जानना चाह रहा था, क्राउन चक्र कैसे एक्टिवेट होता है? क्राउन चक्र सर एक्टिवेट तो नॉर्मल मेडिटेशन से होता है, बट जैसे आपने सिखाया था कि उसको एक्टिवेट करने का कोई, हम ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं गए थे। मतलब समझा नहीं। क्राउन चक्र सर मेडिटेशन, और आपने जो 7 चक्रा वाला जो मेडिटेशन बताया था उससे करके हम कर सकते हैं, बट जैसे आपने कहा था कि उसकी एटोनेशन और प्रॉपर हम उसके लिए नहीं काम करते, मतलब उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें ज्यादा फोकस ही करना। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर दिया आपने उमा शंकर दास जी, लेकिन शार्प हो जाइए थोड़े और, आंसर आपका ठीक है, शार्पनेस रिक्वायर्ड। उमा शंकर जी नमस्कार, कैसे सर आप? बस बढ़िया सर, कल के टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बढ़िया था। अच्छा, आपके पास किसी और मोबाइल से ज्वाइन किया होगा? हाँ मोबाइल से किया। किसी और ने भी किया होगा? नहीं नहीं, कल मैं अकेला ही था, वो अभी अभी अभी, अभी। हाँ अभी है, साथ में बैठे। अच्छा सर, वो नाभी से क्या? मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरी आवाज रिपीट हो रही है, चोकोरे सिंबल का नाभि से क्या कनेक्शन है? यूज तो करते हैं, लेकिन संबंध पढ़ना, दोबारा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कितना फाइन लगा आपकी इच्छा से आपके ऊपर कितना फाइन लगा दिया जाए? अरे सर क्या बताऊं। चलिए मैं चाहूंगा आप इस पे अच्छे से रिसर्च करें और फिर बताएं। ठीक है जी।
रमेश पाठक सर कृपया अनम्यूट कीजिए। रमेश पाठक सर कृपया अनम्यूट कीजिए। कोई बात नहीं, मत कीजिए, सर्टिफिकेट तो हमने ही देना है। नाम लिख लीजिएगा रमेश पाठक जी का, डिंपल ओसवाल मैडम जी का, जो लोग वीडियो ऑफ कर रहे हैं या अनम्यूट नहीं कर रहे हैं ना। ओके, हरजीत मैडम जी नमस्कार। नमस्ते भैया। नमस्कार जी मैडम जी। रेकी कौन सा दिन चल रहा है आज? 27-28 पक्का बताओ एक, मेरे हिसाब से 26 है। 27 7 कैसे हो जाएगा जब 26 चल रहा है, तो एक दिन आगे कैसे चले जाएंगे? I'm not sure भैया। अच्छा, आप क्यों श्योर नहीं है? मैंने ना अभी बिगिनिंग, मैंने बीच में से आपका क्लासेस ज्वाइन करना शुरू कर दिया था लेवल 1 से। अच्छा। बट लाइव क्लासेस लिया था, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, यहाँ से नहीं होगा, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डे 1। तो वहां से लेके एवरीडे आई एम डूइंग इट। तो अभी आई हैव रीच्ड, अभी ये सब लेवल 1 पे नहीं पहुंची हूँ, अभी पहुंची हूँ प्रोटोकॉल फॉर द रेकी वो वाले उस वीडियो तक। चलो वही, वो पूरा नहीं हुआ अभी, अभी आई हैव टू कंटिन्यू आफ्टर दिस क्लास। अगर आपको अपने घर के किसी सदस्य की हीलिंग करनी हो तो आप क्या कह के करेंगे? taking them as pure soul, that's what you mentioned. बहुत बढ़िया, soul बोला था, pure soul नहीं बोला था। All are pure soul, like soul is always pure. Thank you जी, बहुत बढ़िया। लेकिन तैयारी कीजिए मैडम जी, 28वां दिन चल रहा है। Okay. हाँ जी। अब मैं ये भी question पूछूंगा ना, देखिए कि class का time क्या, तब भी confused हो जाएंगे सब। मिस्त्री जी कृपया अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर वो क्या नाम है, साउंड का क्या रोल है होम सॉल्यूशन ऐप के साथ? साउंड का होम सॉल्यूशन ऐप के साथ क्या संबंध है? सर डिस्टेंस हीलिंग के लिए यूज करते हैं सर। इसके लिए डिस्टेंस हीलिंग सर। नहीं, साउंड का क्या रोल है? साउंड का वो तो सिंबल का यूज हो गया। हाँ, साउंड का क्या? साउंड एनर्जी को ले जाता है। ठीक है जी, मैं चाहूंगा एक बार आप होम सजेशन एंड सिंबल को पूरे तरीके से समझें। सुनील कुमार गुप्ता जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ, आपकी दुआ है। सारी क्लासेस करी हैं आपने अटेंड? हाँ सर, मैं तो डेली करता हूँ, कहीं भी रहता हूँ भाग आता हूँ। तो हार्मोन की प्रॉब्लम के लिए क्या करें? हार्मोन की प्रॉब्लम के लिए सर ये सेकी का सिंबल डालते हैं। कहाँ पे डालेंगे हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए? सिर पे, थर्ड आई पे मतलब? हाँ, थर्ड आई से हार्मोन करेंगे ना। देख लो सही आंसर दे रहे हो कि नहीं। नहीं सही है सर, यही है मेरे, मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ आपसे। मैं अभी जहाँ तक पढ़ाया हूँ मुझे लग रहा सही नहीं है। सेकी का ही बताया ना सर, हार्मोन्स के लिए। सेकी तक तो आप ठीक हो, लेकिन आगे कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो रहा है। कितने का फाइन लगा दें आपके ऊपर? आपके ऊपर है। कितने का? मैं चाहूंगा आप एक बार सेकी के सिंबल को पढ़ें और आंसर ढूंढे कि आप सही बोल रहे हैं या कहीं कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है जी? हाँ ठीक है, थैंक यू जी। मधु मैडम जी नमस्कार।
सर, नमस्कार। मैडम जी, कौन सा क्वेश्चन पूछूं आपसे जिसका सही जवाब देंगे? सर, जो जो सबसे आसान हो। ओके, चौकोरे का सिंबल अट्यूनमेंट में जब हम लेते हैं, चौकोरे के सिंबल से जब हम अट्यूनमेंट लेते हैं, तो उसका पहला काम क्या होता है? सर, चौकोरे का सिंबल पहले तो हमें बनाना है। और नहीं, मैंने कहा हम अट्यूनमेंट ले रहे हैं, आपको नहीं बनाना। हाँ जी, तो सिंबल अट्यून हो रहा है तो उसका पहला काम क्या है हमारी बॉडी के अंदर? सर, उसको वो पहला काम सबसे आसान क्वेश्चन पूछा है। सर, मैं समझ पा रही हूँ लेकिन थोड़ा डिस्क्राइब नहीं कर पा रही। ये मूलाधार में होता है, इतना है कि ये मूलाधार चक्र के साथ है, रंग इसका लाल है। नहीं नहीं, मैंने चौकोरे के सिंबल की बात की है। सिंबल तो सभी चक्रास के साथ होगा ना जी, मैं चक्र की बात नहीं, सिंबल की बात करो। तो सिंबल के हिसाब से आप मेरे को आंसर कीजिए। सिंबल सर, ये हमारे जो है, मैं इसका ये बता सकती हूँ कि ये कहाँ फायदा करेगा? लोअर पार्ट में ये काम करता है। ना 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 ना, एक तो पंखे की तरफ देखना ऊपर। हाँ जी, हाँ, नहीं काफी दूर है मेरे। फायदे पूछूंगा तो एक घंटा मैं आपसे फायदे ही पूछता रहूंगा, क्योंकि मैं एक घंटा बताने की कैपेसिटी रखता हूँ। ठीक है, तो आधा घंटा में आपसे उम्मीद करूंगा आप मेरे को आंसर करो, इसमें तो मामला नुकसान हो जाएगा हमारा। तो ये जानना है कि पहला काम क्या है इसका हमारी बॉडी के अंदर। मैंने समझाया था इस पे, मतलब ने डिस्कशन किया था। सर, पहला काम यही है कि ये हमारे जब अंदर आता है तो हमें कंसंट्रेट, हमारा माइंड कंसंट्रेट होता है और सामने वाले को भी हम कर सकते हैं इसे, और विजुअल। और विजुअल मेरा नंबर आ गया, चुप बैठ, मेरा नंबर आ गया। हेलो, कृपया शांत रहिए, नंबर आ सबका आएगा। ओके, हाँ जी बताइए मैडम जी। हाँ जी सर, सर ये तो हमारे बॉडी को जो है लोअर पार्ट में काम करता है और एकदम से हमें अट्यूनमेंट की बात हो रही है अभी, बॉडी फायदे नुकसान कुछ नहीं, अट्यूनमेंट ले रहा हूँ बस मैं अभी। हाँ जी, हाँ जी सर, मिट्टी और पानी का इसका हो गए आप। अगर इसके आगे भी आप कोई जवाब देना चाहते तो आप जवाब दीजिए, हम लेंगे, पर ₹1000 गलत जवाब देने पे फाइन देते रहिएगा, फिर जितने मर्जी जवाब दीजिए। ओके, मैं चाहूंगा मैडम जी आप ढूंढें इस सवाल का जवाब। देखो क्लास में लोग 546 हो गए सीधे आउट, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको सीखना होगा उनको इसी डेडिकेशन के साथ सीखना होगा, आज नहीं तो कल। आज ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ और हम इसके जवाब ढूंढने की कैपेबिलिटी रखते हैं, आप नहीं ढूंढ पाएंगे तो मैं आपको समझाने की कैपेबिलिटी रखता हूँ। बट कल जब मेरे सामने कोई व्यक्ति होगा जो ये सोच सोच के मेरे सामने आएगा कि मैं इस व्यक्ति से सीख रहा हूँ और इसके पास मेरे हर सवाल का जवाब है, मेरी प्यास यहाँ पे आके खत्म हो सकती है, तो हम उसको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे अगर हम आज ही जवाब ढूंढ लेंगे। और अगर हमारे पास जवाब नहीं होंगे तो वो हमसे डिसअपॉइंट रहेगा, उसके सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होंगे और उसके बाद ना हम खुश होंगे ना वो खुश होगा। और हमें हमेशा ही अपने क्लाइंट को कन्विंस करना पड़ेगा, हमेशा ही हमें अपने स्टूडेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। वो खुद से आके नहीं बोलेगा कि आप सही हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत जरूरी है, जैसे मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ, आप मुझसे सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन होता है जी, क्लास 3 घंटे की होगी, 4 घंटे की होगी, इतने सवाल के जवाब क्यों दे रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है, सरकार एक बिल लेके आई है, अगर विपक्ष उस पर बहस नहीं करेगा, उसकी कमियां नहीं बताएगा, तो वो बिल मनमानी में बदल जाएगा, राइट। अगर मैंने आपको कोई कोर्स समझाया और आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे तो ये कोर्स भी मनमानी में बदल जाएगा। मनमानी मतलब जो मैंने कह दिया वो ठीक है, बाकी सब गलत है। और अगर विपक्ष ऑब्जेक्शन करता है और सरकार उसके जवाब से उनको सेटिस्फाई कर लेती है, प्रॉपर चर्चा होती है, तो वो बिल रिव्यू के लिए जाता है राज्यसभा में, फिर वहां से पास होता है और उसके बाद वो कानून के रूप में बदल जाता है। तो ऐसे ही जब आज मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ
कल आप मुझसे सवाल करेंगे तो हमारे सवालों के जवाब ही इस बात को तय करेंगे कि हमने इस कोर्स को सीखने में अपनी लगन, अपनी डेडिकेशन लगाई है। हमने ऐसा नहीं कि कोई फ्री में सिखा रहा था और हमने फ्री में सिखा लिया और आप भी इसकी कदर नहीं कर पाएंगे और मैं भी आप लोगों की कदर नहीं कर पाऊंगा अगर हम इस प्रकार के डिस्कशंस नहीं करेंगे। तो बेशक 10 दिन लगे सवाल जवाब में, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा ये कि आप भी ऐसी प्रिपरेशन रखें कि जब आपसे भी कोई सवाल पूछे तो आपके पास भी जवाब हो। सवाल जवाब वाला सेशन इस बात को तय कर देता है कि मुझे फ्यूचर में पेपर पेन की जरूरत पड़नी है कि नहीं पड़नी है। ठीक है जी, तो मैं चाहूंगा आज के लिए इतना ही और आप लोग आज के सेशन की महत्वता को कुछ ऐसा समझेंगे कि खुद को रेटिंग दे सकते हैं हम कि हम कहाँ अटक सकते हैं। ठीक है जी, ये तो मेरा सवाल है। अगर हम लोग भी बना दें कि 5 लोग क्वेश्चन पूछेंगे और 1 आदमी आंसर करेगा तो हम ज्यादा जल्दी आउट होंगे। ठीक है जी, तो हमें आउट नहीं होना है, हमें विकेट पे जमे रहना है सभी आदरणीय सदस्यों को। इसके लिए मेरी आप लोगों से विनती रहेगी, कल हम डाइकोमो सिंबल का इंट्रोडक्शन समझेंगे, सैटरडे संडे और मंडे का दिन आपके पास रहने वाला है, रात के 10 बजे तक का टाइम है। आप मैक्सिमम जो आपसे सवाल पूछे उसके जो जवाब भी ढूंढेंगे और कोर्स को रिपीट स्टार्ट भी करेंगे। जब तक आप कोर्स को रिपीट स्टार्ट नहीं करेंगे, पूरे तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक कोर्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ नहीं टिकेगा। और याद रखिएगा, अब क्या बोला जाता है कि सवाल के बदले सवाल, आप मुझसे एक सवाल करेंगे और मैं भी क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। ठीक है जी, जैसे आपने कहा सर मेरा हैंड रेज है, मेरा ये सवाल है, तो मैं कहूंगा जी पहले मेरे सवाल का आंसर। अगर आप मेरे सवाल का आंसर दोगे तो मैं आपको कहूंगा बहुत बढ़िया, अब अपना सवाल पूछो, और अगर आप आंसर नहीं दूंगा कहूंगा इस सवाल का जवाब ढूंढ के लाओ पहले, फिर आंसर दूंगा। ये वाला सिस्टम ठीक चलेगा ना क्लास के अंदर? इससे तैयारी पक्की सबकी। तो उम्मीद करता हूँ सभी आदरणीय सदस्य बहुत मेहनत के साथ अपने अपने सवालों का जवाब ढूंढेंगे। इस सेशन का मतलब ही यही है कि हम आगे बढ़े, इससे पहले हमें रुक जाना चाहिए और संभल जाना चाहिए कि नींव कितनी मजबूत है हमारी। एंड नो डाउट 20 दिन का कोर्स अगर 40 दिन चल रहा है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 दिन में अगर हम एक स्मार्ट हीलर बन रहे हैं ना तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, प्रकृति के अंदर। तो मैं सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करूंगा, खूब मेहनत कीजिए, खूब तैयारी कीजिए और अपने जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं ये बहुत मिनिमम है, स्वयं से सवाल पूछ लीजिए और उसके बाद उसके जवाब ढूंढने शुरू कीजिए, आपके पास आंसर निकल के आएंगे सभी के। तो आज के लिए क्लास में इतना ही, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें, ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्रदान करें, ऐसी हमारे ईश्वर से आज सबके लिए प्रार्थना है। सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा जिन्होंने हैंड रेस किए हैं, आज रुक जाइए, कल आपकी बारी आएगी पक्का। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।